हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो ये वीडियो है एक कंपैरिजन वीडियो, जिसमें हम कंपेयर करने वाले हैं नथिंग के ईयर 2 और नथिंग के CMF बड्स प्रो को। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग हमने ऑलरेडी की है, तो इनके लिंक्स मैं अनबॉक्सिंग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो ज़रूर से जाके आप चेक कीजिए, और कार्ड्स में भी मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो हम इस वीडियो में जानेंगे और इनको कंपेयर करेंगे कि ये दोनों आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए और बजट के हिसाब से कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। तो कंपैरिजन में मेरा सबसे पहला पॉइंट है लुक एंड फील। तो जो नथिंग ईयर 2 का लुक एंड फील है वो आप जानते हैं, ये अपने प्रीवियस डिज़ाइन को फॉलो कर रहा है, ट्रांसपेरेंट केस एंड एवरीथिंग, जो भी इसका हेडफोन्स है वो लुक एंड फील सब कुछ वैसा ही है। और ये जो इनके CMF के नए हेडफोन्स आए हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अलग हैं, क्योंकि ये एक अलग ब्रांड है। तो इनकी जो केसिंग है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, और इसके अंदर भी जो है वो एकदम जैसे हमने बाकी के ब्रांड्स में देखे वैसे हेडफोन्स ये इन्होंने लॉन्च किया है। तो लुक एंड फील में दोनों काफ़ी अलग है। तो ये मैट फिनिश दिया गया है इस पर, तो आपको फिंगरप्रिंट्स और इस पर स्क्रैच जो कम दिखेंगे, इसमें हो सकता है दिखे क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट केस है, तो उसके वजह से फिंगरप्रिंट तो फिलहाल इस पर भी नहीं दिख रहे हैं। और नथिंग ईयर 2 का जो बॉक्स है वो ट्रांसपेरेंट है, तो इस पर हो सकता है आपको स्क्रैचेस दिखे, पर फिंगरप्रिंट फिलहाल इस पर भी नज़र नहीं आएंगे। तो जो दूसरा पॉइंट है मेरा कंपैरिजन का, वो है नॉइज़ कैंसलेशन, क्योंकि दोनों हेडफोन्स में नॉइज़ कैंसलेशन मिलता है आपको। और जो प्राइस है उसके कंपैरिजन में जो हम पे कर रहे हैं नथिंग ईयर 2 के लिए, वो ऑलमोस्ट 7000 है, अगर डिस्काउंट मिल रहा है या जो भी है, तो ये आपको 7 to 9000 के बीच में आपको मिलते हैं ये हेडफोन्स। तो ये प्रीमियम हेडफोन्स बोल सकते हैं, और ये जो हेडफोन्स है वो बजट में आते हैं, क्योंकि ये 3000 या आपको डिस्काउंट से 2400 में मिल सकता है, बट 3000 तक आपको ये हेडफोन्स मिलेंगे, तो ये बजट वाले हेडफोन्स है। तो कंपेयर टू नथिंग ईयर 2, इसका नॉइज़ कैंसलेशन और इसका नॉइज़ कैंसलेशन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। ट्रांसपेरेंसी मोड इसका बेटर है नथिंग ईयर 2 का, बट ट्रांसपेरेंसी मोड तो जो ट्रांसपेरेंसी मोड है नथिंग ईयर 2 का बेटर है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड और जो ऑफ मोड है उसमें कोई इतना फ़र्क दिखा नहीं मुझे। हाँ, नॉइज़ कैंसलेशन इसका काम कर रहा है, ये नॉइज़ को कैंसिल कर रहा है। तो अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी नथिंग ईयर 2 की बेटर है मैं कहूँगा इससे, अगेन सेम प्राइस पॉइंट, तो प्राइस के हिसाब से आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, इसकी साउंड क्वालिटी बेटर है एज कम्पेयर टू CMF बड्स प्रो के। अगला पॉइंट है मेरा इसमें जो डिफरेंस है वो है आपका जो आपको चार्जिंग मिल रही है, जो आपका बैटरी बैकअप मिल रहा है इस पर लगभग 36 आवर्स का मिल रहा है, इसमें आपको 45 आवर्स का मिल रहा है। तो बजट वाले में आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा मिल रहा है और इसमें थोड़ा कम मिल रहा है। तो लास्ट जो मैं बताना चाहता हूँ वो यही है कि नथिंग के ही ब्रांड के ये दोनों हेडफोन्स हैं, और इनके जो प्राइस के हिसाब से जो चीज़ें इन्होंने दिया है फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स मिल जाते हैं अगर आप ऐप के अंदर जाएंगे, तो थोड़ा बहुत फीचर्स जो है इसके अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी प्राइस कम है। तो जो साउंड क्वालिटी हो गई, जो मैंने बताया जो ट्रांसपेरेंसी मोड है, तो वो सब आपको CMF में कम मिलेगा, लेकिन ईयरफोन के अंदर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। प्लस जो इसके कंट्रोल्स है टच कंट्रोल्स, वो नथिंग ईयर 2 में ज़्यादा मिलते हैं और इसमें थोड़ा कम मिलते हैं। और इसका जो टच कंट्रोल है इसमें इन्होंने थोड़ा चेंज किया है पिछले मॉडल के हिसाब से, तो वो आप जो लोग यूज़ कर रहे हैं नथिंग ईयर 1 उनको पता होगा कि ये चेंज जो किया गया है नथिंग ईयर 2 में, तो वो अच्छा भी है और एक तरह से अच्छा नहीं भी है, क्योंकि उन्होंने टच कंट्रोल को हटा के एक फिजिकल बटन ला दिया है नॉइज़ कैंसलेशन को कंट्रोल करने के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए। तो जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप जा सकते हैं, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप नथिंग ईयर 2 को यूज़ कर सकते हैं, और आपका बजट अगर कम है तो CMF को आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप बाकी ब्रांड्स को भी देखें इसको लेने से पहले और कंपेयर कर ले, जैसे ओप्पो का हो गया या बोट का हो गया,
या रियलमी की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, कंपैरिजन आपको कैसा लगा, और अपने जो फीडबैक्स है मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।